We know this couple personally. They have built a fantastic business here in the Punjab and around India, but you're going to hear from an absolutely awesome couple. I want Debbie to say a few words about them before I bring them up. We love this couple, and they are such a blessing to the Brit Worldwide System. हमें इस कपल से बहुत प्यार है और ये ब्रिट वर्ल्डवाइड सिस्टम के लिए बिल्कुल ब्लेसिंग की तरह प्रूव कर रहे हैं। If you're in their organization, you know how truly awesome they are. अगर आप उनकी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो आपको मालूम है कि वो कितने बढ़िया लोग हैं। Ajitpal reminds me of my personal sponsor Brad Duncan, but with a turban. Ajitpal मुझे याद दिलाते हैं मेरे पर्सनल स्पॉन्सर ब्रैड डंकन की पर पगड़ी के साथ। His smile and his heart makes you feel like you're worth $1 million. उनकी स्माइल जो है और उनका जो दिल है आपको ऐसा फील कराता है कि आप करोड़पति हैं पहले से ही। And he has the most awesome wife, Randhir. और उनकी वाइफ जो है बहुत ही बढ़िया लेडी हैं। You can tell she's truly supportive of him and a businesswoman. आप बता सकते हैं उनको देख के कि वो बिल्कुल अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती हैं और एक बहुत अच्छी बिजनेस वूमन हैं। We are honored to call them our friends. और मुझे बहुत गर्व है कि वो हमारे दोस्त हैं। Well, this couple are truly warriors in this business. ये जो कपल है ये एक योद्धा की तरह हैं इस बिजनेस में। They are from Chandigarh. वो चंडीगढ़ से हैं। Right here, native sons to India. यहाँ पे इंडिया में। They have built a fantastic organization. उनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही बढ़िया है। I just tell you that it's a true example of what the Brit system produces. और एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि ब्रिट सिस्टम कैसी चीज बनाता है। They have a high quality business. उनका बहुत बढ़िया क्वालिटी का बिजनेस है। They are great leaders. और बहुत बढ़िया लीडरशिप है। They have a fantastic family. और बहुत अच्छी फैमिली है उनकी। And we appreciate having them treasured in our lives as friends. और हमें बहुत गर्व है और हम उनको एक खजाने की उनकी दोस्ती को एक खजाने की तरह रखेंगे अपनी जिंदगी में। So with that, get to your feet. आप खड़े हो जाइए अब सब लोग। Let's hear from some new diamonds. और अब देखें new diamonds. Ajitpal, Randhir, Mangat. Check out this plaque you get for going diamond. Is this awesome? ये plaque मिलती है आपको Bill Britt की तरफ से जब आप diamond जाते हैं. Ajitpal Randhir, this is for you. It says. Thank you very much. हाँ जी सबको नमस्कार जी. मेरा नाम Ajitpal सिंह मांगट और रणधीर मांगट बहुत सालों तो 5-6 सालों तो वेट कर रहे थे कि कदे दिन आएगा अपनी इमेजिनेशन में पता नहीं कितनी बारी इस सीन नू असी देख चुके हैं कितनी बारी ये रॉकी म्यूजिक दी आवाज़ा ही सुन चुके हैं अपने कन्ना विच कितनी बारी ये असी देख चुके हैं कि डेविड शोर साढ़े हैंड रेज कर रहे हैं और इन्नी ऑडियंस के सामने बैठ के डॉक्टर बड़ैच और इन्हें ऑल लीडर्स के सामने ये बहुत कुछ मैं बड़ी देर तो विजुअलाइज करता रहा और एटलीस्ट वो दिन आ गया कि आज हम आपके सामने हैं एज ब्रांड न्यू डायमंड्स हम आपको सिर्फ यही बात बताने आए हैं कि वी आर नॉट स्पेशल वी आर नॉट जीनियस वी आर जस्ट ऑर्डिनरी पर्सन आप जैसे हैं आप हमसे बेटर हो अगर हम ये कर सकते हैं तो एनीबॉडी सिटिंग इन दिस रूम कैन डू दिस कोई भी जहाँ पर आ सकता है हमने कई लोग कहते हैं कि इन मांगट ने बहुत मेहनत की है बहुत ये किया होगा हमने कुछ नहीं किया हमने जस्ट सिस्टम को फॉलो किया बढ़िया स्टूडेंट बने और जो हमें अपलाइन बताती कि हम वो करते गए हमने एंजॉय किया है इस बिजनेस को बिल्ड करने से हमने कोई ज़्यादा टेंशन नहीं ली इसको हमने दोस्ती की लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड किए
और एक-एक पल को एंजॉय किया पिछले 6 सालों से हम बिजनेस में हैं हमने एक-एक दिन एक-एक पल इस बिजनेस का एंजॉय किया है हमने और हमारी बहुत हंबल बाय बैकग्राउंड है आपको पता है सबको मैं गुरदासपुर जिले का हूं डेरा बाबा नानक पंजाब में और वहां हमारी फार्मिंग जाट फैमिली है वहां जाट फैमिली में वहां हम रहे टीचर की जॉब की मगर सपने बहुत लिए वहां भी रहते रहते सपने बहुत लेते थे वहां जब खेतों में ट्रैक्टर चलाया करते थे तब भी मैं ट्रैक्टर पे बैठा-बैठा भी सपने लिया करता था कि किसी दिन मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा मेरे को पता नहीं था कैसे होऊंगा मगर मेरे को पता था कि एक दिन मैंने बहुत अमीर होना है वहां रहते-रहते फिर जब चंडीगढ़ आए तो चंडीगढ़ आके भी बेसिक लाइफ ऐसे थी जॉब जहां थी एजुकेशन में टीचर थे मगर सोचते बड़ा थे हमेशा पता नहीं भगवान ने ये मेरे में क्या फैकल्टी डाल दी के साथ स्टार्ट से ही कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझा मैं और मेरी वाइफ हमारी ये प्रॉब्लम थी हम जब भी कहीं जब हम टीचर भी थे जब भी कहीं मार्केट में जाते थे तो हम प्रॉब्लम में फंसा हमारी नजर ही नहीं टिकती थी किसी माड़ी चीज के ऊपर हमेशा से सबसे बढ़िया चीज होती थी उसको ही देखते थे जी करता था इसको ही ले लें पर पैसे नहीं होते थे मगर भगवान ने आखिर ये बिजनेस हमें दे दिया आज हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हम जो मर्जी खरीद सकते हैं मेरा बेटा अब इंजीनियरिंग कर रहा है वो छोटा था 4-5 साल पहले जब हमने बिजनेस अभी स्टार्ट पता नहीं किया था शायद नहीं किया था मैं टीचर था तो उसकी बर्थडे था उसका और हम दोनों बाप बेटा 17 सेक्टर उसके लिए गिफ्ट खरीदने के लिए गए वो कहता है मैंने पापा रिमोट कंट्रोल वाली कार लेनी है मैंने कहा चल ले लेते पैसे नहीं थे मेरी जेब में 5-700 रुपया था उसने जो गाड़ी पसंद की वो 13-1400 रुपए की आती थी मेरी जेब में पैसे नहीं थे मैं कभी इसको छोड़िए अच्छी नहीं हम वहां से लेते हैं चल दूसरी दुकान देखते हैं चल वो देखते हैं 2 घंटे हम 17 में मैं और मेरा छोटा सा बेटा हम घूमते रहे और वो हार के वो रोने ही लग गया मैंने कुछ नहीं लेना चलो चले घर चलते हैं तो ओदा ओदी आंखां च आंसू है कि मेनू भी थोड़ा लगा कि यार मैं ओदी खास ही नहीं पूरी कर सकया बच्चे नु बड़ा दुख होया दिल नु आज वही बेटा मेरा जिन्हों मैं पहली ओ लेके दीती है ब्रांड न्यू फ्रॉम दिस बिजनेस और अपने कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਨ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਪੈਲੀ ਉਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਐਸੈਂਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਆਈਕਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਲਟ ਲੈਣਾ ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੁਲਟ ਆਪਣਾ ਵੇਚਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਨਫੁਲਫਿਲ ਜੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਔਰ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ कभी टाइम था कि मेरे गांव के लोग भी मेरा नाम नहीं जानते थे पूरी तरह कहीं मेरे नाम की कोई चिट्ठी आती थी कि अजीतपाल सिंह तो किसी से पूछ लिया गांव में अजीतपाल सिंह तो कोई है नहीं यहां क्योंकि मेरा गांव में कोई और ही नाम था निकनेम तो वो आज क्या है कि आज इसी अजीतपाल मांगट को अमेरिका में लोग जानने लगे आज पूरे ऑल इंडिया में कलकत्ता बॉम्बे जहां चल जाओ वहां लोग जानते हैं अब एमाग्राम में मेरे गांव का नाम भी मैंने लिखा है हरुआल जस्ट मैंने कहा कि कम से कम जिस गांव की मिट्टी में मैं पला हूं उसका नाम तो पूरे इंडिया में जाए और आज पूरे इंडिया में पता नहीं कितने लोगों के घरों में मेरे गांव का नाम हरुआल का नाम गूंज जाए कि हरुआल का लड़का अजीतपाल मांगट आप भी ये काम कर सकते हो अपने गांव का नाम अपनी फैमिली का नाम आप पहुंचा सकते हो दुनिया में बस आपको एक बड़ा सा ड्रीम लेना है आपको यू शुड डेयर टू ड्रीम बिग बड़े ड्रीम लेने की जुर्रत रखनी पड़ेगी आपको बड़ा डिसीजन लेने की जुर्रत करनी पड़ेगी और आज हम सिर्फ आपको यही बताने आए हैं कि अपनी छोटी सी स्टोरी सुनाएंगे डायमंड रैली कि हम डायमंड कैसे चले गए हमने क्या किया और आप कैसे जहां आ सकते हो अगले साल ये सारा कुछ थोड़ा आपको बताएंगे हम ताकि आप में से कुछ लोग हमसे रिलेट कर सके कि अगर ये कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते क्योंकि जब मैं यहां आपका बैठता था इस नीचे वाली चेयर्स पर और यहां डायमंड को रिकॉग्नाइज होता देखते थे तो मेरे को तो लगता था कि एक दिन मैं भी करूंगा यार जब मैं उनकी स्टोरी सुनता था तो मेरे को लगता था कि मैं तो जरूर करूंगा डॉक्टर ब्रैच एंड मिसेस डॉक्टर ब्रैच शुरू से ही हमारे लिए एक रोल मॉडल रहे हैं मैं कई बार सोचता कि अगर ये हमारे सामने सक्सेसफुल ना होते तो हम किसको देखकर कामयाब होते हम इनको देख-देखकर दूर से आप तो इनकी गोदी में बैठे हो हम इनको दूर-दूर देख के डायमंड हो गए आप क्यों नहीं हो सकते मेरे को बताओ ये हमारे लिए रोल मॉडल थे डॉक्टर साहब को जब मैं देखता था टैगोर थिएटर में
मैं 9% 12% में नीचे बैठा होता तो मैं डॉक्टर साहब को पूरा देख रहा होता था और मेरे को लगता था कि डॉक्टर साहब जैसे एक दिन मैं माइक जो है ना जरूर पकड़ूंगा एक दिन, मैं हमेशा जो विजुअलाइज करता था। और डॉक्टर साहब को डायमंड देखा, डायमंड के बाद मैंने अपने आप को कंपेयर किया, मैं कहा डॉक्टर साहब को हम भी थोड़ा थोड़ा रलते हैं डॉक्टर साहब से मैं क्या हाइट वाइट अपनी इक्वल है उनके, बाकी भी सारा कोई ठीक ही है, मैं क्या थोड़ा पेट का फर्क है वो भी मैनेज कर लेंगे किसी तरीके से और उनके नक्शों कदम में वो भी इतना प्यार करते हैं ना मैं डॉक्टर ब्रजवी, ही इज मेरे पास शब्द नहीं, ही इज ए सेंट, बहुत अच्छे इंसान है। मेरे को तो उनको मैं मिलता, मेरी आंखों में आंसू ही आ जाते हैं देखकर। तो हम अपनी स्टोरी आपको सुनाएंगे अभी, उससे पहले मैं चाहता हूं कि मेरी वाइफ जो एक पावर है मेरे पीछे जिसके कारण मैं बिजनेस में कामयाब हुआ हूं, अगर मेरी वाइफ इतनी मेरी मदद ना करती इस बिजनेस में शायद हम डायमंड ना जा पाते। तो शी इज ए वेरी स्ट्रांग लेडी और कभी भी उन्होंने हमारा हाथ नहीं छोड़ा, जहां भी हम कभी मीटिंग में जाना है, दिल्ली जाना है, कहां भी जाना है, शी इज ऑलवेज विद मी, और बल्कि मेरे से भी आगे थी। कभी मैं डाउन हुआ तो उसने मेरे को पकड़कर अप किया। तो एक परफेक्ट टीम है हमारी, वेरी स्ट्रांग टीम। और वैसे भी वो शी इज क्वाइट ब्यूटीफुल तो मैं वेलकम करना चाहता हूँ अपनी वाइफ के वो आपके साथ रूबरू हो और बताए कि हम वो कैसा फील कर रहे हैं और कैसे उनका क्या योगदान है, और बाद में फिर मैं दोबारा आपके पास आऊँगा। तो माई वाइफ रणधीर, थैंक यू। सभी को नमस्कार। सबसे पहले हम परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिसकी बदौलत आज हम इस स्टेज पे हैं। भगवान ने हमें एक सद्बुद्धि दी और एक पावर दी कि हम इस अपॉर्चुनिटी को पहचान सकें। हमने इसको पहचाना और अपना काम किया और आज भगवान ने हमें इतना अच्छा फ्रूट दिया है। इस बिज़नेस में आने से पहले हमारी जो लाइफ थी उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊंगी। जब हम छोटे ही थे तो बहुत बड़े ड्रीमर थे, मैं बहुत बड़ी ड्रीमर थी, बहुत बड़ा बड़ा सोचती थी। और हमेशा जो मेरी फ्रेंडशिप होती थी, जो हमारी क्लास में अच्छी अच्छी लड़कियां होती थी, रिच फैमिलीज़ को बिलोंग करती थी, उसके साथ मेरी फ्रेंडशिप होती थी। अच्छी अच्छी जो चीज़ें होती थी उनको पाने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मेरे पास अच्छी अच्छी चीज़ें हों। कभी मैं मार्केट जाती थी तो बहुत बढ़िया चीज़ पे ध्यान टिकता था, और अगर पर्स में पैसे नहीं हैं तो मैं घटिया चीज़ खरीदती नहीं थी, ये सोचती कि कोई बात नहीं नेक्स्ट मंथ खरीद लेंगे, और मैं अच्छी चीज़ ही खरीदती थी शुरू से ही। कई हमारे रिश्तेदार थे, ऐसे थे रिश्तेदार मिले जुले होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं, वो लेडी जब भी मेरे से बात करती थी तो कहती थी कि वीर जी की तनख्वाह तो इतनी है तो अपने बच्चों के पास इतने अच्छे अच्छे कपड़े कैसे आते हैं। तो मैं बोलती थी भगवान देता है, जिस चीज़ की हम विश करते हैं, जिस चीज़ को हम नीड बनाते हैं, भगवान अपने आप वो देता है। हम मांग के तो देखें भगवान से कि हमें भगवान ये चाहिए, अगर हम डिटर्मन हैं उस चीज़ के लिए तो भगवान दे देता है। ऐसे कॉलेज में पढ़ते थे तो बड़े बड़े सपने लेते थे, तब सपना क्या था, तब सक्सेस सिर्फ ये ही दिखती थी कि हम अच्छा पढ़ लिख जाएंगे और एक अच्छी सी जॉब करेंगे, पैसे कमाएंगे, तब तो यही सक्सेस लगती थी। अब ये सक्सेस नहीं लगती, ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम में आके ये मालूम हो चुका है कि जॉब में फ्रीडम नहीं है। तब मालूम ही नहीं था जॉब करेंगे, ये सपना था। अभी कॉलेज से बाहर ही आए थे तो शादी हो गई। शादी होने के बाद जो मैं सोचती थी वो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं था, वो कहते थे कि नहीं, उनको अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं बहुत बढ़िया कर सकता हूँ, तेरे को जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को अपने आप के साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया, सोच लिया, जैसे जो हमारा दिमाग है वो सोचता है तो अपने आप कंसाइल भी कर देता है। हमने सोच लिया कि इतने अच्छे लैंडलॉर्ड के साथ शादी हुई है, हो सकता है बहुत अच्छा लाइफस्टाइल हो, पर जो जहाँ हमारे जिम्मेदार फ्रेंड्स बैठे हैं वो जानते ही हैं कि ज़मीन चाहे जितनी भी हो
उसे जो आता है उन सबको पता ही है और बिजनेस में भी ऐसा ही होता है मेरे हस्बैंड ने बहुत से बिजनेस भी किए थे ये वो सब कुछ किया बट हम सेटिस्फाइड नहीं थे इधर उधर हमेशा देखते रहते थे कि कुछ हम कर लें कुछ हम कर लें मेरे अंदर भी एक ड्रीम था कि मैंने भी कुछ करना है वो ड्रीम होते हुए भी जब हमें प्लान दिखाया गया तो हमने नो बोल दिया क्यों नो बोल दिया हमें भी पता नहीं है आज हम सोचते हैं कि जिसने हमें प्लान दिखाया था उसने हमने पहले तैयार ही नहीं किया था प्लान देखने को जून का महीना था दोपहर को 2 बजे हम खाना खा के सोने की तैयारी में थे और वो प्लान दिखाने आया जब वो प्लान दिखा रहा था हम आबासियाँ ले रहे थे और सोच रहे थे कि कब ये जाए और हम सोए और हमने प्लान को देखा ही नहीं हूँ हाँ ऐसे ही करते रहे जब उसने पूरा ख़त्म कर दिया तो हमने बोला कि नहीं हमारे पास तो टाइम ही नहीं है हम तो बहुत बिजी हैं तब बिजी क्या थे कुछ बिजी नहीं थे सिर्फ टीवी के चैनल बदलने में बिजी थे कहानी घर घर की देखते थे कोई भी टीवी सीरियल नहीं छोड़ते थे तो आज सिस्टम में आके पता चला कि टीवी में जो काम कर रहे हैं उनको तो उनका तो वो काम है उनको तो उसके पैसे मिलते हैं हम तो जस्ट अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और जो कहानी घर घर की है उसका क्या देखना कहानी तो सबके घरों की है अपने अपने घर की कहानी देखें अगर अपने घर की कहानी देखेंगे तो हमारे घर की कहानी बहुत अच्छी बन जाएगी हमने थोड़ा थोड़ा सा अपने आप को सीखना स्टार्ट कर किया उसके बाद एक दिन मेरे हस्बैंड को प्लान देखने का मौका मिला जो अकेले ही चले गए मेरे को बताया ही नहीं कि प्लान देखने जाना है और जब ये वापस आए तो ऐसे लग रहा था कि बादलों के साथ वो डहरियाँ लगा रहे हैं रात को 11 बजे तब माइंडसेट भी ऐसा ही था बोला इतनी लेट आप कहाँ गए थे कहाँ से आए हो तो वो बोले कि वो बिज़नेस बहुत बढ़िया है हमने करना है मैंने बोल दिया ठीक है आपने करना करना मैंने तो कुछ नहीं करना कहते नहीं बहुत बढ़िया है तब तक बढ़िया हम कैसे मानेंगे जब तक हम अपनी आँखों के साथ देखेंगे नहीं कुछ और पहले भी हम जो देखा था वो ऐसा देखा था जैसे हम खुद थे चीज़ें बहुत बढ़िया होती हैं पर उनको देखने का अंदाज होता है चीज़ें वैसी दिखती हैं जैसे हम देखते हैं जैसे हमारी सोच होती है जैसे हमारा माइंड सेट होता है तो हमने ऐसे ही देखा था तो जे बोलने लगे कि बहुत बढ़िया है मैंने बोल दिया कि नहीं मैंने नहीं कुछ करना तो एक नेक्स्ट डे जे मेरे को बोलने लगे कि चलो आपको मैं GK इंटरनेशनल होटल में सूप पिला के लाता हूँ बहुत खुश हुए कि आज तो GK इंटरनेशनल होटल में जाएंगे और गए वहाँ सूप तो कुछ नहीं था बोर्ड लगा हुआ था लोग बैठे हुए थे प्लान हो रहा था तो मैंने अपना माइंड बिल्कुल बंद कर लिया कि ये तो वही है जो हमारे घर में दिखा के गया था तो हमने तो करना नहीं है थैंक्स गॉड धीरे धीरे मेरा ध्यान लगने लगा माइंड ओपन हो गया और मुझे अच्छा लगने लगा जब प्लान ख़त्म हुई तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ साथ बैठे थे एकदम से फैसला ले लिया कि हम ये करेंगे वो हमारा कुछ नहीं है कि हमें अच्छा लगा बुरा लगा ये कुछ नहीं है तब हमारा राइट टाइम आ चुका था भगवान चाहता था कि हम ये करें तो हमने फैसला ले लिया और साथ ही साथ एक ये भी फैसला लिया कि हम 1 साल इस बिज़नेस को करेंगे और उसके बाद रिव्यू करेंगे कि इसको करना है या नहीं करना है और हम सीखने लगे सीखते गए दिल्ली जाते थे वहाँ प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लेते थे प्रोडक्ट्स के बारे में सीखते थे प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया लगने लगे और प्रोडक्ट्स को यूज़ करना स्टार्ट किया जो हम सीखते थे वो हमने धीरे धीरे लोगों को सिखाना स्टार्ट कर दिया और स्टार्ट करने से हमारा थोड़ा सा ग्रुप बना धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता 9th मंथ हम सिल्वर ब्रेक कर गए और उसके बाद तो हमने पीछे देखा ही नहीं जो लास्ट 6 साल हैं वो तो हमारे ऐसे निकले कि हम एक बखरी दुनिया में रहते थे हमारी दुनिया ही डिफरेंट थी हमें पता ही नहीं चलता था कि कब दिन है कब रात है हम इतने एक्साइटेड थे और हमारे बच्चे वो भी बहुत एक्साइटेड हैं हमने एक बार ही अपने बच्चों को बोल दिया था कि हम अपना काम करेंगे तुमने अपना काम करना है हम आपको कुछ करके दिखाएंगे तुमने हमको कुछ करके दिखाना है तो ऐसा ही हुआ हम डायमंड चले गए और इस स्टेज पे आ गए और जो हमारे बच्चे हैं वो भी अपने अपने काम में परफेक्ट हैं हमारा बेटा चंडीगढ़ का सबसे रिप्यूटेड कॉलेज है पैक
उसमें इंजीनियरिंग कर रहा है उसका फर्स्ट ईयर है बेटी की हमने मैरिज कर दी है बहुत अच्छा कंप्यूटर इंजीनियर लड़का मिला है और हमारी बेटी ने भी डिग्री की हुई है आईटी में और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमने अपना काम किया है उन्होंने अपना काम किया है कभी भी हमने अपने बच्चों के सिर ऊपर डंडा नहीं छोड़ा वो खुद बखुद अपना काम करते थे करते हैं ये सभी किसका राज है ब्रेट वर्ल्ड वाइड का क्योंकि हमारे घर में सिस्टम था हम सभी ने सीखा और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी अगर हम कर सकते हैं तो इस हाल में बैठे सभी लोग हमारे से भी अच्छा कर सकते हैं और क्राउन एम्बेसडर जा सकते हैं थैंक यू वेरी मच गो कैम बेस्ट नहीं हाँ जी एक्साइटेड हो कितने लोगों ने डायमंड मारने का फैसला लिया है पक्का ओके तो जब जहां मेरे हैंड रेजिंग हो रही थी जब रॉकी म्यूजिक बज रहा था तो किसी के दिल में कुछ ऐसा हुआ धक धक कोई आंखों में आंसू टपका किसी का किनका टपका वही स्टेज पे आएंगे अगले साल एज ए डायमंड हम बहुत रोते थे जब भी यहां बैठते थे आंखों से पर्ल पर्ल ऐसे आंसू बग रहे होते थे जब किसी डायमंड की रिकॉग्निशन देखते थे मन क्यों क्यों आंसू बगते थे पता क्या होता था कि जब जहां आपकी रिकॉग्निशन हो रही है जरा इमेजिनेशन में जाओ आप समझोगे मेरी जगह आपकी रिकॉग्निशन हो रही है स्टेज पे और पूरा हाल हजारों लोग आपके लिए ताड़ियां मार रहे खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं और आपके भाई बहन फादर मदर नीचे बैठे आपको देख रहे हैं दे आर फीलिंग प्राउड ऑफ यू आंखों से आंसू निकलेगा कि नहीं ये सोचकर कि यू हैव डन समथिंग आपने कुछ किया है वो आप पे गर्व कर रहे हैं अगर आपके मन में कुछ ऐसा है तो वो दिन दूर नहीं है आप इस स्टेज पे आओगे यही रॉकी म्यूजिक आपके लिए बजेगा ओके हमने जिस दिन अगर लास्ट एफईडी में हम यहां ना होते तो आज हम इस स्टेज पे ना होते बिगर डिसीजन आर टेकन एट द बिगर मीटिंग्स मीटिंग पे आना क्यों जरूरी है आज बहुत लोग हैं जिन्होंने बहाने बनाने शुरू कर दिए होंगे कोई इसलिए नहीं आया मेरा बच्चा बीमार हो गया कोई कहता मेरे को सिर दर्द लगी कोई कुछ हो गया उनके कर्मों में जो बिजनेस नहीं है भगवान अभी देना नहीं चाहता उनको डेट्स वाई दे मिस्ड एफईडी डोंट वरी अबाउट देम उनके लिए मत सोचो आप उनके लिए सोचो जो जहां बैठे हैं आपकी डाउनलाइंस ओके हमने कैसे जब बिजनेस स्टार्ट किया अपने वाइफ ने बताया हमें टेलीफोन की घंटी बजी एक लड़के का फोन आया पैसा बनाना चाहते हो मैं कहा हाँ पैसा बनाना चाहते हैं मैं इतनी दूर 250 किलोमीटर से गांव से चंडीगढ़ पैसा ही तो बनाने के लिए आए हैं और किस लिए आए हैं तो शिखर दोपहर आकर मेरे को बिजनेस प्लान समझाने लगा गोले गोले ड्रा करके एक घंटा मेरे को बिजनेस प्लान दिखाता रहा मैं पूरा एक घंटा जे सोचता रहा कि पूरा चंडीगढ़ छोड़ के मेरे को क्यों समझा रहा है इसको और कोई नहीं मिला मन में एक मेरे कीड़ा बढ़ गया और मैंने असल में मैं प्लान देख नहीं रहा था हम भी कई लोगों को प्लान दिखाते हैं कि रॉन्ग पोस्चर होता है रॉन्ग अप्रोच होती है वो आंखें उसकी होती है ऐसे देख रहे हैं मगर वो देख नहीं रहे होते वो टाइम काउंट कर रहे होते हैं कब जे खत्म हो तो मैं उनको बोलूँगा हाँ मेरे पास टाइम नहीं है तो ऐसे उसने किया उसने मेरा उसकी अप्रोच गलत थी मेरी क्यूरियोसिटी नहीं थी मेरे को देखने की जबरदस्ती भूख ना हो कोई खाना खिलाना जाता है तो मेरी वो हालत थी मैंने देखा कहता कैसा लगा मैं बहुत बढ़िया अच्छा है तेरे लिए अच्छा है मगर मैं थोड़ा बिजी हूँ यूं आ करके बस ख़त्म उसके बाद मैं प्रोफेसर बन गया एमबीए का उसको मना कर दिया नो आज तक नहीं पता नो क्योंकि उसके बाद लोगों के फ़ोन आने कि आपको एक बिजनेस दिखाएं मैंने कहा एमबीए है मैंने कहा आपको पता है यस मेरे को तो सबसे पहले मेरे पास तो आया था लड़का कनाडा से तो ऐसे बहुत एक डेढ़ महीना ऐसे निकल गया मुड़ के एक लड़के का फ़ोन और आया एक बैंक का मेरा दोस्त था वो कहता कि चले एक मीटिंग है वहाँ चलना है मैं चलो मैं कहा एमवे की मीटिंग है कहता मेरे को पता नहीं उसको सचमुच में नहीं पता था किसकी है अगर वो कहता एमवे की आई वुड नॉट हैव गॉन मैं वहाँ गया बोर्ड पे ऐसे प्लान दिखाया जा रहा था बैठ के जाकर पहले तो देखा एमवे मैं कहा ओहो सड़ गई किस्मत ये वही है तो फिर थोड़ा दिमाग खुलने लगा दिमाग खुलते खुलते वहीं बैठे पता नहीं क्लिक कुछ हो गया मैं कहा यार इट्स समथिंग डिफरेंट आई कैन डू इट मेरे को सारी रात नींद ही नहीं आई मैंने सुबह उठा वाइफ को बोला मैं बिजनेस करेंगे वाइफ कहती नहीं करेंगे मैं क्या क्यों वाइफ ने क्यों मना कर दिया मेरी वाइफ को पता था मेरा घर वाला कितना बड़ा बिजनेसमैन है पहले घर का फक्का नहीं छोड़ा इसने बिजनेस कर करके शी न्यू इट अब भी ऐसा उसने मना कर दिया मैं क्या आप क्या करें तो तभी जीके इंटरनेशनल में मीटिंग हो रही है ब्रिट वाइड की और अभी इनॉग्रल मीटिंग थी मैं इसको लेके गया वहाँ किसी बहाने से वहाँ जाके इसको मैंने बढ़ा दिया जो प्लान देखती रही मैं इसको देखता रहा
ऐसे ऐसे भी कैसे लग रहा है इसको, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, और ये ऐसे हाँ हाँ मैं क्या बन गई बात ओके और बाद में हमने दोनों फैसला कर लिया कि हम ये बिजनेस करेंगे। आप बिजनेस तो करेंगे, प्रॉब्लम और आ गई एक, पैसे ही नहीं थे, 4200 रुपया नहीं था हमारे पास, 3 दिन लेट हो गए, मगर मैंने प्लान दिखाने शुरू कर दिए। मैं क्या देखा जाएगा, बिजनेस हो गया, फॉर्म बाद में भरेंगे, बट आई स्टार्टेड शोइंग द प्लान। मैं बहुत लोगों को बिजनेस ज्वाइन करने से पहले प्लान दिखा दिया, पता नहीं प्लान कैसे दिखाता था मैं, इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि मेरे हाथ ऐसे दिख 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 करके दिखाता था। वो कई लोग थे मेरे को देखते, ये आदमी चंगा था कल, अच्छा वाला था, क्या हो गया इसको। बिजनेस स्टार्ट हो गया और मैंने जैसे पहले बताया कि मैं तब डॉक्टर ब्रैच वाज वेरी एक्टिव इन चंडीगढ़, अब भी हैं, तो मैंने इनकी एक दो प्लान देखी, मैंने कहा यार ये तो ये डायमंड हो गए थे बहुत जल्दी, फर्स्ट मंथ में ये सिल्वर सिल्वर सब एमरल्ड एमरल्ड सब कर गए। तो मैं इनको देख रहा था, मैं कहा यार ये कर सकते हम क्यों नहीं कर सकते, मैं कहा मैं पेपर पर प्लान दिखाता हूँ लोग मानते नहीं है, शायद ये बोर्ड पर करते हैं तभी लोग मानते हैं, मैं हमने भी बोर्ड खरीदो। तो हमने आई, मेरा अभी 3% का चेक नहीं था, आई स्टार्टेड शोइंग द बोर्ड प्लान्स फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, अभी 3% का चेक नहीं आया था, आई स्टार्टेड, मेरी पता नहीं 50 पीवी थी तब, आई स्टार्टेड शोइंग द बोर्ड प्लान्स। आप में कितने लोग हैं जो बोर्ड प्लान दिखाते हो? बोर्ड प्लान दिखाओ, डोंट वेट फॉर द अपलाइन, इट्स योर बिजनेस। एक बात की मेरे को समझ आ गई जब बिजनेस की स्टार्ट में, थैंक्स गॉड भगवान ने मेरे को समझ दे दी, मेरे को यह समझ आ गई कि इट्स माई बिजनेस, I am not member of somebody. मैं किसी का member नहीं हूँ, I am business owner. ये मेरा business है, मेरे बच्चों को life चल मिलना है इससे, मेरे को ये समझ आ गई कि it's my business. बहुत लोगों को समझ ही नहीं आती कि it's my business. वो समझते हैं शायद हम उनके member हैं, उन्होंने हमारा किया ही कुछ नहीं. Okay? मेरी अपलाइन नहीं थी चंडीगढ़, इट वॉज इन अमेरिका, तब मैं रूबी डायरेक्ट हो गया था, तब डेविड शोर ने देखा था कि कौन है ये चंडीगढ़ में रूबी डायरेक्ट, तो तभी ये चंडीगढ़ आए हमें मिलने के लिए, फिर हमें समझ आई बिजनेस की क्या है। पहले हम अपने जोर से बिजनेस जट काम करते हैं, हम करते रहे ओके, मगर फिर भी हमने कर दिया, हमने सिल्वर कर दिया, डीडी हो गए, रूबी हो गए, गोवा फर्स्ट एएलएस था, वहाँ चले गए सारा कुछ हमने, मैंने आज तक कोई भी एएलएस में से नहीं किया, आई केप्ट ऑन ग्रोइंग। कोई ना कोई पेन तोड़ते ही चले जाते हैं, पता नहीं पिनों से नफरत हो जाती है बहुत जल्दी मेरे को, पुरानी पेन से। तो ऐसे हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कुछ लोगों को प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद कुछ लोगों को स्पॉन्सर भी किया, उनमें से कुछ चले गए कुछ रह गए, मगर अगर हम प्लान करते गए, हम लोगों को दिखाते गए बिजनेस, ऐसे बिजनेस दिखाते दिखाते हमारी लेग चलने लग गई। लेग्स को देखते देखते एक दिन नरेश वर्मा जी का फोन आया कि नरेश वर्मा कहते हैं कि गोपी राम जी सिल्वर जा रहे हैं इस मंथ। तब हम दिल्ली जाया करते थे लास्ट मंथ फॉर्म जमा कराने के लिए, जेब वो कराने के लिए, तो मैंने कहा ओके थोड़ा और जोर लगाओ, और गोपी राम जी सिल्वर चल के एक डीडी ब्रेक हो गया, नेक्स्ट मंथ दूसरा और हो गया, कपूर साहब ब्रेक हो गया अगले महीने, ऐसे होते 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 हमारी 4 लेग कंटिन्यूसली कुछ 6-7 महीनों के डिफरेंस में हमने 4 लेग ब्रेक कर दी। पहले जब मैं रूबी था तो मेरी लेग ही नहीं कोई ब्रेक हो रही थी, मैंने देखा कई लोग थे मैंने मेरे साथी जो क्या करते थे कि जब सिल्वर गए उनके साथ ही नीचे भी सिल्वर चले जाते थे, वो सिल्वर नीचे वाला भी सिल्वर, नीचे वाला भी सिल्वर। तो मेरा क्या होता था, मैं रूबी हो जाता था मगर मेरे नीचे सिल्वर नहीं ब्रेक हो रहे थे, तो मैं चिंतित हो गया, मेरे को बड़ी चिंता लगनी, यार मेरा कब होगा कोई सिल्वर मेरे नीचे, मेरी लाते टांगे क्यों नहीं ब्रेक हो रही तो एक बार कंकन भट्टाचार्य एंड सबीना भट्टाचार्य जहाँ चंडीगढ़ आए, तो वहाँ आने की नाइट ऑल मीटिंग, मैंने यही क्वेश्चन किया, मैं पिछले 4-5 महीनों से रूबी हो जाता हूँ, हर बार सोचता हूँ कि इस बार मेरी लेग जरूर ब्रेक होगी, इस बार जरूर ब्रेक होगी, मेरी लेग ब्रेक ही नहीं होती, मैं तो रूबी चला जाता हूँ, मेरे को मैं बड़ा चिंतित हूँ, मेरे को क्या करना चाहिए। कहता आप अपना रूबी का चेक मेरे को दे दो, मेरे वाला आप ले लो, आप तो अच्छे हो, कहता और क्या चाहिए आपको। तो कहते आप, मैं कह मेरे को क्या करना चाहिए, कहे आपका रूबी का जो चेक होता है वो चेक लो, और आपकी जो डाउनलाइन लीडर्स हैं उनके सामने ऐसे ऐसे किया करो, फिर जेब में डाला करो, डेट्स ऑल। और क्या हुआ कि आस्ते आस्ते जब गोपी राम जी ब्रेक हो गए, उसके बाद बाटिया जी ब्रेक हो गए, ब्रेक हो गए, रणबीर मांगट ब्रेक हो गए, और 4 लेग जब मैं एमरल्ड गया था, आई वाज एमरल्ड विद 4 लेग्स। तो मेरे को ऐसे लगा कि मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे बिजनेस की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है कि पहले होते नहीं है ब्रेक, जब होते हैं तो इकट्ठे हो जाते हैं सारे। अभी मेरे को ये लग रहा था जब मैं एमरल्ड था कि मेरे नीचे एमरल्ड कोई नहीं है, फिर मेरे को याद आया यार वो मेरे तो सब इकट्ठे जाने हैं जब तने ओके तो मेरे क्या, मैं क्या मेरी कोई स्ट्रक्चर ऐसे है। तो ऐसे हुआ, अब नरेश वर्मा जी अगस्त में एमरल्ड हो गए, भाटिया जी एमरल्ड क्वालिफिकेशन में चले गए, रणबीर इज गोइंग एमरल्ड क्वालिफिकेशन, 1 साल के अंदर सभी एमरल्ड हो जाएंगे। तो अब तो मेरा तो ध्यान अब एफए पॉइंट्स पे चला गया।
ओके, तो ये बिजनेस बहुत बढ़िया है अगर आप सही तरीके से करते हो। इसमें कोई ज्यादा ये नहीं है कि बड़ी दिन रात मेहनत करो, मतलब मेहनत है, मेहनत का फ्री, देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा, मगर सिस्टम के साथ मेहनत करो। एक आदमी है ना दरवाजे को धक्का लगा रहा है एक घंटे से, कहता यार मैं तो तंग आ गया, ये तो खुलता ही नहीं। कहता जी एक मिनट में, दूसरे साइड को खोल दिया, इधर को खोलता है तो उधर को धक्का लगाता रहा इसको। ऐसे बहुत लोग उल्टी उल्टा धक्का लगाए जा रहे हैं मगर वो खुलता इधर को है, वो ब्रेट वर्ड वाइड को पता है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि आपको पता नहीं है कि भगवान ने आपके अंदर क्या डाल के रखा है। जॉन क्रोग की एक टेप सुन रहा था मैं, उसने कहा कि आदमी के चार, उसने चार पैरामीटर बताए ऐसे क्वाड्रेंट बना के, तो उसने कहा कि आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी हैं जिसको आपका भी पता है, जिनको आपके लोगों को, फ्रेंड्स को भी पता है, मगर आप में कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जिनका आपको पता है अपने दोस्तों को नहीं पता, आपकी कोई निजी लाइफ है। कुछ ऐसी हैं जिनका आपको नहीं पता मगर लोगों को पता है। ऐसी क्वालिटी हैं मेरे में भी आप में भी जिनका आपको पता, आपको नहीं पता मगर लोगों को पता है, मगर वो हमें बताते नहीं है, अपलाइन बताएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हर एक आदमी के अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जो ना उसको पता है, ना उसके दोस्तों को पता है, ना उसके घर वाले को पता है, सिर्फ भगवान को पता है जिसने डाल कर भेजे हैं। एक खजाना है आपके अंदर जिसको ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी जो है वो ब्रेट वर्ल्ड वाइड के पास है। और जिस दिन आपको वो चाबी मिल गई, आपके जो अंदर वाले गुण हैं वो अनफोल्ड हो जाएंगे, आपके जो हिडन टैलेंट्स हैं जो भगवान ने आपके अंदर के डाला है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो यू विल रीडिस्कवर योर रियल पर्सनैलिटी, आपकी असल पर्सनैलिटी आपको तब पता चलेगी। ये सिर्फ वही लोग कर पाएंगे जो ब्रेट वर्ल्ड वाइड में प्लग हैं, दूसरों को समझ ही नहीं आएगी सारी उम्र। तो हमने भी ऐसे किया, देखो मैं इसकी एग्जाम्पल दे देता हूं। अब मैं इतने लोगों के सामने बोल रहा हूं स्टेज के ऊपर, क्या मेरे घर वालों को पता था कि हमारा बेटा बहुत बढ़िया स्पीकर है ये बोलेगा स्टेज के ऊपर कभी हजारों लोगों के सामने? मेरे को पता था इस बात का? नहीं पता था आज से 10 साल पहले। मेरे दोस्तों को नहीं पता था, मेरे पड़ोसियों को नहीं पता था, ना मेरे को पता था, ना मेरे घर वाले को पता था कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मगर भगवान में डाली थी। निकाली किसने बाहर? ब्रेट वर्ल्ड वाइड ने। सेम वे बहुत सी ऐसी क्वालिटी है आपके अंदर बहुत सी ऐसी क्वालिटी है जो आपको नहीं पता, आपके दोस्तों को नहीं पता, घर वालों को नहीं पता, मगर वो निकलेंगी एक दिन बाहर अगर आप सिस्टम में आओगे। कहते हैं वाणी में आता है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, जो उसको रीडिस्कवर करेगा। विवेकानंद जी कहते हैं मेक योर मसल जो फायर एंड नर्व जो स्टील, मेक योर मसल जो फायर एंड नर्व जो स्टील, डिस्कवर योर सेल्फ, अपने आप को पहचानो। पहचानने का बिजनेस है ये बिजनेस, सिर्फ पैसा नहीं देता, ये आपको आपका आपा दिखाएगा कि आप है क्या असल में, और समझते क्या अपने आप को रहे आज तक। इसलिए यू आर इन वेरी गुड बिजनेस, वी आर लकी पीपल, वी आर ब्लेस्ड पीपल दैट गॉड हैज चूजन अस फॉर दिस बिजनेस, एवरी बॉडी सिटिंग इन दिस रूम। कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना, यू आर वेरी स्पेशल इन द आईज ऑफ द गॉड, तभी आपको उन्होंने चुना है बिजनेस के लिए भगवान ने। तो हम ऐसे काम करते, जब मैं एमरल्ड हो गया था, एमरल्ड पेन होगी, तो तब मैंने एक आदमी को ज्वाइन किया बिजनेस में, मेरे दोस्त थे बैंक में, उनको मैंने ज्वाइन किया, बहल साहब बलबीर सिंह बहल, एमरल्ड होने के बाद। मेरे को आज तक याद है जब मैंने प्रोस्पेक्टिंग की, उनको बोला कि मैं तो एमरल्ड हो गया हूँ, आप बिजनेस में आप भी सोच लो आ जाओ, तो उसने मजाक में मेरे को कहा था कि आप तो एमराड हो गए, हम कहीं राड ही ना रह जाएं। तो एमरल्ड होने के बाद उनको स्पॉन्सर किया, आज वो भी फाउंडर प्लेटिनम है और बहुत बढ़िया बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, एमरल्ड जा रहे हैं। ऐसे मैंने 5वीं लेग भी अपनी ब्रेक कर दी, 6th लेग हमारी बेटी थी, बहुत देर से हम उनकी हेल्प नहीं कर रहे थे, बेटी की ज़्यादा नहीं कर रहे थे, उनके लिए सब कुछ आप नहीं कर रहे थे, करना चाहते कर भी सकते थे तो हम नहीं करते थे, क्योंकि मेरे को वो स्टोरी याद थी। वो आपने बहुत बार स्टोरी सुनी है कि जब बटरफ्लाई अपने अंडे से बाहर निकलती है तो वो बहुत रिगलिंग है, उसकी बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, उसको बहुत स्ट्रगल करके अंडे को तोड़कर वो निकलती है। अगर कोई देख रहा हो तो उसको तरस आ जाता है कि इसको बेचारी की थोड़ी हेल्प कर देते हैं, तो अगर उस अंडे को थोड़ा आप काट दो उसकी हेल्प करने के लिए तो उसके पंख कमजोर रह जाते हैं और अंडे से बाहर आके कुछ मिनटों के बाद उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि आपने उसको संघर्ष नहीं करने दिया, उसके मसल वीक रह गए, वो उड़ नहीं पाई और कमजोर होकर मर गई।
अगर आप उसको कुछ मत करो, उसको जोर लगाने दो, उसको जैसे करती है स्ट्रगल करने दो, जब वो खुद स्ट्रगल करके बाहर आएगी, उसके मसल स्ट्रांग हो जाएंगी और हवा में दाढ़ी लगाएगी और सारी उम्र ऐश करेगी। ऐसे हम जब किसी को ओवर प्रोटेक्ट करते हैं तो वीक हो जाता है। हम नहीं चाहते थे अपने बच्चों को ओवर प्रोटेक्ट करना। मैं जब भी अपनी बेटी की, अपने बेटे की हेल्प करना चाहता था बिजनेस में, मेरे को हमेशा वो तितली की याद आती थी कि हम उसको वीक नहीं करना चाहते अपने बच्चों को, उनके लिए हम क्यों प्लान दिखाएं। इसीलिए उनको 4 साल लगे सिल्वर गोल्ड जाते जाते, मगर हमने बाद में जब डायमंड जाना था, हमने थोड़ी उनकी और हेल्प की उनके उनकी मैरिज की। उनके हस्बैंड जो इज वेरी एक्साइटेड इंजीनियर हैं, उन्होंने खुद प्लान दिखाए, नाउ शी इज गोल्ड प्रोड्यूसर, और उन्हीं की लैग में एक और गोल्ड प्रोड्यूसर हो गया आरपी सिंह, वेग बैंक के भी बहुत बड़े ऑफिसर हैं, और हम डायमंड हो गए। ओके, तो इट्स को कुछ बड़ा नहीं लगा कि डायमंड शेप को बड़ा पहाड़ है, बड़ा ऊंचा, पता नहीं हम चढ़ नहीं पाएंगे क्या। अगर आप डीडी बैठे हो ना, इतने लोग यहां पर, आप डीडी बन गए, आपको डीडी आना बनना आता है? कितने लोगों को प्लैटिनम बनना आता है कि प्लैटिनम बन सकते हैं? तो ये आता है ना, तो 6 लोगों को बना दो डायमंड, चल जाओ। डायमंड क्या मुश्किल है? वही तो है और क्या है, इट्स आर रेपिटेशन। रिच डिवास की एक टेप में ट्राई और कराई में कहते हैं कि यू डोंट हैव टू स्पॉन्सर 20 पीपल, यू हैव टू स्पॉन्सर ओनली 1 पर्सन 20 डिफरेंट टाइम्स। तो इट्स रेपिटेशन, रेपिटेशन अगेन अगेन। हमने वो रेपिटेशन किया और हम एक एक टिप्पणी भी लेकर चले लग गए। ये नहीं कि हमने सीधा 6 लाख पे काम करके और हम डायमंड चल गए। लास्ट ईयर भी हमने डायमंड शिप की तैयारी की थी, थोड़ी थोड़ी ट्राई की थी, हाफ हार्टेड ट्राई की थी विद डिफरेंट लेग, किसी और लेग से कोशिश की डायमंड जाने की, मगर कुछ ऐसे चैलेंज आ गए, हम नहीं कर पाए। फिर हमने क्या किया, जो 7th लेग थी हमारी, वो 7th लेग 6th नंबर पे आने की ट्राई कर रही थी। जैसे डेविड शोर ने कहा ना कि अगर आपके पास ज़्यादा लेग्स हैं मगर सीट्स कम है तो उनके बीच कंपटीशन होगा, ऐसे मेरी 6th और 7th लेग के अंदर कंपटीशन था। जो 6th थी उसको रिप्लेस कर दिया 7th ने, और 7th आ गई और 7th लेग 6th बन के डीडी चलेगी, हम डायमंड हो गए, और अब 7th लेग जाए उसके साथ हम डायमंड प्लस चले जाएंगे। और डायमंड प्लस को आपको पता है पैसा कितना आता है? पता है, बहुत पैसा होता है। डायमंड प्लस जो होता है ना बोनस, इट्स अ ह्यूज बिजनेस, डायमंड का भी बहुत होता है। अब हम जब कल यहाँ आ रहे थे तो परसों हमारे घर में एक चिट्ठी आई एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस से कि आपका ग्रोथ बोनस जो है जीआईपी बोनस वो इस साल का वो इतना है। सेवन डिजिट, कैलकुलेट खुद कर लेना कितना है, इट्स 7 डिजिट, आपका भी आ सकता है। और हम बहुत एक्साइटेड हुए इस बात में, हमें बहुत खुशी हुई, मैं और मेरी वाइफ, मेरे को स्पेशल फोन करके बताया कि चिट्ठी आ गई है, इतना इतने पैसे आ गए, मैं ग्रेट, तो बहुत मजा आया। तो कोई भी ये काम कर सकता, आप इतने लोग आज जहाँ से आए हो हमसे रिलेट करने के लिए, हमसे कुछ सीखने के लिए, देखने के लिए कि आप भी ये सारा कुछ कर सकते हो जो हमने किया है। इट्स ए वेरी सिंपल बिजनेस, बहुत ही आराम से आप बिजनेस कर सकते हो, जस्ट अपनी अपलाइन के साथ हमेशा प्लग रहना है। और बिल ब्रेट कहता है कि इट्स टेक गट्स टू सक्सीड, आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, गट्स होने चाहिए किसी से बात करने के, किसी से प्लान दिखाने के। बड़े लोग इतने ज़्यादा गट्स नहीं होते कि नाम ही लिख सकें किसी का, कॉपी पे नाम लिखने के गट्स नहीं है और सोचते हैं कि बिजनेस करेंगे। कहेगा 4 लोगों के नाम लिख दिए लिस्ट पे और लिखा है, नाम लिखे, लिस्ट बनाई है 4-5 लोग ही जानते हैं, मैं बाकी नहीं जानते, जानते तो हैं मगर नाम नहीं लिखे, क्यों? डरते हैं, दे डोंट हैव गट्स। और कंटेक्ट करना, प्लान दिखाना, यू नीड गट्स। ड्रीम करने के लिए गट्स चाहिए, डिसीजन लेने के लिए गट्स चाहिए, गट्स के बिना जो बिजनेस नहीं होता, ये मर्दों का बिजनेस है। और मर्दों का कौन होता है? मर्द वो नहीं होता जिसके मुंह पे मूछ होती है, मर्द वो होता है जो मुंह से एक बार जो निकाला उसको पूरा करके दिखाए, उसको मर्द कहते हैं। ओके, इस डेफिनेशन में लेडीज भी आ जाती हैं। कोई भी आदमी जो 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 किया है ना वो करके दिखाओ, ये हमारा धर्म हमें यही सिखाता है कि पुर्जा कट मरे कबू ना छाड़े खेत। ये जो हमें बचपन से सिखाया गया है कि एक बार जहाँ पैर रख दिया ना, एत मार्ग पैर त्रीजे सिर दीजे कारण कीजिए, कि एक बार पैर रख दिया पांव वापस नहीं आना चाहिए, सिर कट जाए। और जहाँ पता नहीं कि लोग क्या क्या करते हैं, कई लोग कहते हैं आई एम डायमंड, बच्चों के नाम डायमंड रख दिए, छोटा सा बच्चा उसका नाम किसी ने कैम रख दिया, मैंने क्या रखा बेटे का नाम? कैम। 6 महीने के बाद फादर क्विट कर जाता बेटे से
किसी ने बेटे का ना डायमंड रख दिया, बाद कहता पापा आपने मेरा ना डायमंड रख दिया, आप क्या करते हो? चुप कर। आप आज यू कैन बिकम ए एग्जाम्पल फॉर योर चिल्ड्रन। हमने अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल बन के हम सामने आए हैं। हमारी पूरी फैमिली, वी ड्रीम्ड टुगेदर, वी स्ट्रगल टुगेदर एंड वी आर एंजॉयिंग द फ्रूट्स टुगेदर। ओके, सब मिलके आप बिजनेस करो और आप सब कर सकते हो, ठीक है कि नहीं? इसलिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल है। कई लोग कहते हैं, कई पेरेंट्स, बड़े बड़े पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, डाउनलाइन में नया को साइन हो गया, कहते मांगड़ साहब क्या करें, हमारे बच्चे तो हमारा कहना ही नहीं मानते। मैंने मन में सोचता हूँ, आपने कुछ बच्चों के लिए किया हुआ ना, करके दिखाया, कभी तालियां बजी है आपके लिए कहीं, बच्चे आपको हीरो माने? एक क्विटर के बच्चे क्विटर का कहना मानेंगे कभी? फादर ने तो बिजनेस क्विट कर दिया था, कहते बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। मैंने आपने कौन से गुल खिलाए बच्चों को बताए? तो इसलिए जस्ट क्विटर्स नेवर विन, विनर्स नेवर क्विट। जस्ट इस बिजनेस में क्विट का ये नहीं मतलब बिजनेस से क्विट का, मेंटली क्विट कर जाते हैं, अपने गोल लेके पीछे हट जाते हैं। देखो गोल जब लेगा ना, जो आदमी गोल लेगा अपने किसी बिजनेस का, उसको टेंशन देगा वो बिजनेस, प्रेशर आएगा उसके ऊपर, क्योंकि गोल का मतलब होता है इसमें डेट होती है। डेट जो है, डेट टेंशन देती है। जैसे जैसे डेट आती जाती है, हम नज़दीक नज़दीक होते जाते हैं, तैसे तैसे आपको टेंशन होने लगेगी। आपने देखा लास्ट डे एटीसी में जो लोग होते हैं, जिनके गोल जो होते हैं, वो ऐसे घूम रहे होते हैं, कोई मोबाइल कर रहा है, तू अभी तक आया क्यों नहीं, ये हो गया, तेरी इतने पीवी चार्ट हो गए, बिकॉज दे हैव गोल्स। और जिनके पास गोल्स नहीं होते, वो आते हैं ऐसे चाय पी बैठ कर, चलो चले चलो जी, दे हैव नो गोल्स। गोल्स आपको, नो गोल्स नो ग्लोरी। गोल्स देगा प्रेशर एंड प्रेशर विल गिव यू परफॉर्मेंस। यहाँ प्रेशर ही नहीं आने देते लोग। जैसे जैसे प्रेशर आएगा, तैसे तैसे परफॉर्मेंस बढ़ेगी। तो लोग जब तक प्रेशर आना है, तब तक मेंटली क्विट कर जाते हैं। रेलगाड़ी का इंजन जो स्टीम इंजन है, जब तक 212 डिग्री उसका टेम्परेचर नहीं होता, उसका पिस्टन मूव नहीं करता, तब तक 211 डिग्री हो जाएगा, फारनीट मूव नहीं करेगा। जब 212 होता है, तब उसका पिस्टन मूव करता है। हमारा भी वही है, ह्यूमन बीइंग्स का, गोल ले लिया, प्रेशर बिल्ड हो रहा है, जब तक 212 डिग्री हुआ नहीं, अभी 210 ही हुआ था, हम क्विट करके घर को चले गए। जब सेफ्टी वेल पहले उठा दिया, स्टीम बार, नो टेंशन, नो प्रेशर, नो टेंशन, प्रेशर रिलीज कर दिया, टेंशन किसी बात की। जैसे जैसे दिन पास आते हैं, तैसे तैसे टेंशन बढ़ती है। सबसे इजीएस्ट उस वक्त ये होता है कि छोड़ो साहब को, नेक्स्ट मंथ करेंगे, और घर जाके सो जाओ, नो टेंशन। ओके, तो मैं आपको लास्ट में सिर्फ यही कहना चाहता हूं, मेरा टाइम खत्म हो गया, कि जस्ट स्टिक टू द फाइट, टेक डिसीजन, स्टिक टू द फाइट। और आपकी डाउनलाइन के लिए बिकम एन एग्जाम्पल, इट्स योर बिजनेस, अपने गोल लो, हैव गट्स, ड्रीम बिग, बड़े सपने लो, बड़ा डिसीजन लो। और जितने लोग जहां आए हैं, जो कहते हैं मेरा कहना नहीं मानते लोग, जाओ जाके कहते हैं एक्शन की ओर से फियर, जिन आदमी से डर लगता है वो, हाँ एक्शन करो जाके, कल उनको प्लान दिखाओगे, एफईडी आने का तभी फायदा है। यहां डिसीजन लेकर जाओ, डिसीजन को लिखो और गो एंड एक्शन करो। थैंक यू वेरी मच, वी लव यू।